गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 32 फर्टिलाइजेशन की। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जनरेशंस जो हैं वो आगे चलती जाती हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सिर्फ किस में कंप्लीट होता है, प्लांट्स में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है, पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पादप और जंतु दोनों में होता है। अगर यहाँ हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें हिंदी में इसको हम कायिक जनन भी कहते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन की बात करें तो सिर्फ ये किसमें कंप्लीट होता है, इन प्लांट्स। किसमें कंप्लीट होता है, इन प्लांट्स, यानी कि सिर्फ ये पादप में होता है। अब पादप में कैसे होगा, जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जिनको हिंदी में हम बोलते हैं कायिक भाग। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, रूट, लीफ एंड थर्ड वन इज स्टेम या तना, जड़, तना, पर्ण, जिसको हम पादप के वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, उनसे ये कंप्लीट होता है। अगर हम आगे बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक और नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। यानी कि कायिक का मतलब हो गया जड़, तना और लीफ, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीफ। प्रवर्धन का मतलब उनको ग्रो करना। जैसे आप सर्दियों के अंदर किसी मित्र के घर गए, वहाँ पर आपने देखा कि हाँ भाई उसके घर पे गुलाब अच्छी लग रही, वहाँ से आप उसका एक गुलाब की डाल को काट कर लिया और अपने घर पे लाके लगा दिया और आपके घर पे भी उसमें से अच्छे गुलाब आने लग गए, वो प्रोसेस कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था। सेकंड पोर्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। ये पादप और जंतु, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर कंप्लीट होता है। अलैंगिक जनन में किसी सेपरेट मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सिंगल सेल से भी या एकल कोशिका से भी नए जंतु या पादप का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम पादप में बात करें तो यहाँ पर ऊस्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर्स हैं, कॉनिडिया है और इसके बाद में जेम्यूल्स हैं। ऊस्पोर्स को हम बोलते हैं अचल बीजाणु, ये अपनी जगह पर रहकर ही ग्रोथ करते हैं। ज़ूस्पोर को हम बोलते हैं चल बीजाणु, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कॉनिडिया फंगस इससे ग्रो करती है और जेम्यूल्स जो होते हैं उनसे स्पंज ग्रो करते हैं।
ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन की बात हो गई किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अगर हम आगे बात करें इन एनिमल्स, तो यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होता है। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विखंडन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, कि अमीबा कहीं से भी टूट जाता है, एक नए अमीबा को जनरेट कर देता है। सेकंड वन इज फीजन, फीजन का एग्जांपल है युगलीना। युगलीना किसी भी भाग से टूट जाएगा, नए युगलीना का निर्माण करेगा। बाइनरी फीजन हम कह सकते हैं कि फीजन का ही एक पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से देखते हैं। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, बाइनरी फीजन में क्या होता है कि पैरामीशियम जो होता है वो इस तरीके से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। अटैच मतलब एक ही पैरामीशियम से इस तरीके से दो पैरामीशियम बन जाते हैं, और दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर के दोनों पार्ट सेपरेट पैरामीशियम को डेवलप कर लेते हैं। इसलिए इसको हमने कौन सा फ्यूजन का, बाइनरी फ्यूजन। नंबर फोर इसके अंदर आता है बडिंग, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मुकुलन। ये कंप्लीट होता है हाइड्रा में। अभी हाइड्रा में कैसे कंप्लीट होगा, जैसे नॉर्मली हम इसको, ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा में एक इस तरीके से एक बर्ड डेवलप हो जाती है, जिसको हम हिंदी में मुकुल बोलते हैं। धीरे धीरे ये बर्ड क्या करती है, इस मदर सेल, ये जो सेल होती है, इसके लिए कौन सी सेल होती है, मदर सेल होती है, जिसको हम मातृ कोशिका भी कहते हैं। अब ये सेल पे रहते रहते ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये पूरी तरीके से हाइड्रा की फॉर्म में आ जाएगा और मदर सेल से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा रीजनरेशन रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम पुनरुद्भवन जनन। अब रीजनरेशन रिप्रोडक्शन में आपने जो नाम सुना पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का एक एग्जांपल है छिपकली, जिसको हम बोलते हैं लिजार्ड। छिपकली में आपने हमेशा देखा उसका पैर कट जाता है तो उस जगह से पैर बनता है, पूंछ कट जाती है उस जगह से पूंछ बनती है। लेकिन रीजनरेशन रिप्रोडक्शन यानी पुनरुद्भवन जनन का एक बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होता है वो किसी भी भाग से टूटे, उसके हर भाग से एक नया प्लेनेरिया डेवलप होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन जनन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सॉरी वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसी के बाद बात करेंगे हम फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए सेपरेट मेल गैमेट और सेपरेट फीमेल गैमेट की